नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपका अपना बगीचा व्लॉगर और इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिपोर्टिंग इस मॉन्स्टेरा डिलिशियोसा की। ये पेड़ की आप अनबॉक्सिंग देख चुके हैं, मैंने नर्सरी बाई से ख़रीदा था। ये मेरे को पड़ा था अराउंड 700 रुपीज़ का और ये इसी पॉट के अंदर आया था। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल होगी। साथ ही और भी बहुत सारी वीडियोज़, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत सारी प्लांट्स रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी। आप चैनल के वीडियोस लिस्ट में जा सकते हैं, फिर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑनलाइन अनबॉक्सिंग्स की और अलग अलग प्लांट्स की केयर के बारे में, कैसे केयर करनी है उनकी, सोइल टेम्परेचर वाटर कैसे क्या चीज़ें डालनी है उसके अंदर, सबके बारे में अच्छे से डिटेल्ड वीडियोज़ आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद लगे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो इसकी जो सॉइल है वो इसके अंदर कोकोपीट, जो बार्क होता है पेड़ के ऊपर, जो खुरदरी एक लेयर होती है उसको उतार के वो डाला हुआ है, और वर्मी कंपोस्ट भी डाला हुआ है इसके अंदर, कंपोस्ट भी डाला हुआ है। तो ये इसी पॉट के अंदर आया था, बट इतना अच्छा नहीं लगता है, उसको इंडोर रखना है। वैसे तो छोटे पॉट में ही डालना चाहिए, लेकिन ताकि बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े, इसीलिए मैं इस वाले इंडोर सिरेमिक के गमले के अंदर डाल रहा हूँ। जो सॉइल मिक्स में लेने वाला हूँ वो है कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, सैंड और थोड़े से पत्थर पेबल्स जो भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके के। तो ये मिक्स लिया है मैंने, हल्का मिक्स है काफ़ी। साथ ही मैं मॉस्टिक भी लगा दूंगा, ताकि इसके पीछे लगा के ना आप उसको बांध सकते हैं उसके साथ, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। सिमिलरली जैसे इस वाले मॉस्टर के साथ मैंने किया हुआ है, ये स्विस चीज़ भी बोलते हैं, ब्रोकन हार्स भी बोलते हैं, एजनसोनाई भी बोलते हैं इसको। तो इसको देखो मैंने लगा रखा है इसके मॉस्टिक के साथ। एंड इसकी आप अगर को मैं रूट्स दिखाऊँ तो ये जो रूट आप देख सकते हैं वो अंदर जाने लगी है। तो सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा ही होगा, धीरे धीरे जब ये बड़ा होता रहेगा तो इसकी भी रूट्स निकलती रहती हैं साइड से। मनी प्लांट जैसा सिस्टम रहता है इसका भी, तो साइड से रूट्स निकलती रहेंगी और वो इस मॉस्टिक की हेल्प से मॉइस्चर लेते रहेंगी, जो भी पूरा मॉइस्चर रहेगा उस मॉस्टिक के अंदर। ये मॉस ही रहता है जिसके अंदर, जो घास जैसी रहती है ना, कुछ लोग कोकोपीट डाल देते हैं, कुछ में मॉस रहता है। तो इससे जब ये गीला होता है तो इससे मॉइस्चर लेते हैं, इसलिए जब भी आप ये मॉस्टिक लगाते हैं ना, नीचे तो पानी डालें ही डालें, लेकिन लगे हाथ इसके अंदर भी पानी डालें। अगर इसके अंदर पानी डालेंगे तो मॉइस्चर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर। अभी मैंने थोड़ा सा पॉटिंग कर लिया है इसका, तो वो बड़ा बोरिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये वाले जो सिरेमिक के गमले होते हैं ना घर के अंदर वाले, ये बहुत ज़्यादा मतलब चाहिए इनको सॉइल वगैरह डालने के लिए, बहुत मतलब बल्कि रहते हैं, बहुत सामान डालते हैं इनके अंदर। तो ये तो मैंने एक बार गलती कर दी खरीद के, लेकिन अगले बार मैं नहीं खरीदूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक रखा हुआ है, सिमिलरली ये वाला है, देन इज रबर प्लांट जिसमें लगा हुआ है, ये वाला गमला भी देखें, बहुत सारी मिट्टी लगती है इसके अंदर। तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मैं उतने ही प्रेफर करूँगा जितने की पेड़ की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए इतना बड़ा पेड़ इतने छोटे से गमले में लगा हुआ है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इतने ज़्यादा बड़े गमले की, लेकिन ताकि बार बार ये प्रोसेस ना करना पड़े, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं इसको मैं लगा दूँ। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और इसके अंदर मिट्टी डालता हूँ, एंड इसको जब निकालूंगा तो मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा कि अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसा है। आप देख सकते हैं इसकी रूट्स बाहर तक निकली हुई हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। तो मैंने इसके अंदर से पूरी वो निकाल दी, इन्होंने एक्चुअली इसके कैप के अंदर डाला हुआ था, तो मैंने ये भी हटा दिया है। एंड कुछ इस तरीके की रूट्स हैं इसकी, अभी इसको इसके अंदर प्लेस कर देंगे हम।
दोस्तों ये हो गई है पोटिंग डन हमारे मॉन्स्टेरा की। देख सकते हैं कोकोपीट का ज़्यादा इस्तेमाल किया मैंने, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, सैंड, फंगीसाइड, थोड़े बहुत पेबल्स, ये मॉस्टिक लगा दिए पीछे आपको साइड में लेके अगर मैं दिखाऊँ थोड़ा सा, तो पीछे ये मॉस्टिक लगाइए एंड ये पत्ते हैं इसके। ये जो पॉट जैसा कि मैंने वाला बहुत सारी सॉइल कंज्यूम कर जाता है, मिट्टी लगती है बहुत सारी इसको भरने के लिए, तो ये हमने कर लिया है। एंड इसको बस एक बार फुल पानी देना है ताकि नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाए एंड देन वी आर डन विद द रिपोर्टिंग। तो इस तरीके का कुछ दिखेगा मॉन्स्टेरा। इसको और साइड में थोड़ा सा आपको पीछे से हटके दिखे तो, हाँ तो इस तरीके से दिखेगा मॉन्स्टेरा, आप देख सकते हैं। एंड जैसे जैसे ग्रोथ हो जाएगी बढ़ जाएगा, जब इसकी नोड्स थोड़ी सी ओवर लग जाएंगे तो आप इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बट सो फार इट्स लुकिंग रियली गुड। पानी डाल देते हैं, सेटल हो जाएगा। एक्चुअली ना इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा मतलब चिकनी मिट्टी थी इसके अंदर, जो रेड सॉइल होती है। ये पेड़ आया है पूना से, तो पूना की जो मिट्टी है वो रेड सॉइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेड सॉइल का, तो उसके अंदर रेड सॉइल बहुत ज़्यादा थी जो बहुत चिकनी होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो देखिए, जैसे ये रेड सॉइल है आप देखो, पूरी चिकनी मिट्टी रहती है ये देखिए। तो उससे हटा के मैंने इसको कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीज़ में डाला है ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से फैल सके। उसके अंदर भी बहुत रूट बाउंड हो गया था ये, शायद इसीलिए ग्रोथ भी नहीं कर रहा और इसीलिए शायद से इसका जो पत्ता है ये पीला होने लग गया, तो दैट वॉज द रीज़न। एंड ये हो गई हमारी पॉटिंग डन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके बारे में भी डिटेल्ड मॉन्स्टेरा की आपको केयर कैसे करनी है उसकी भी वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप चैनल की वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, मनी प्लांट्स हो गए, कॉलियस हो गया, अडेनियम्स, जीजी प्लांट, सबकी वीडियोज है चैनल के ऊपर। अगर आपने आज तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए जाके जरूर चेक कीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे जो मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरीके कंटेंट में आपको दिखाता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एक थम्स अप भी दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपके पास ये पेड़ है, आप इसकी केयर कैसे करते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। एक रिसर्च प्रोसेस के अंदर है ये चैनल, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं देखी मैं वही करता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटेशंस भी बहुत करता हूँ। अब जैसे कि ये जो क्रेसुला ओवाटा है मेरा, ये सूखने लगा था तो मैंने इसको अलग अलग, इसके अंदर सॉइल है, इसके अंदर सिर्फ मिट्टी है, इस वाले के अंदर मिट्टी कंपोस्ट है, इस वाले के अंदर थोड़ी सी बजरी वाली मिट्टी है, तो अलग अलग चीज़ों के अंदर मैंने डाला हुआ है, तो एक्सपेरिमेंटेशंस भी बहुत रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।